कहानियां। राजा बना काहार। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहाँ के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव्य बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही प्राणियों को सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाखी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाखी बोला, मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहाँ के पवित्र घाटों के दर्शन करूँ, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूँ। किंतु किंतु क्या, गंगाराम ने पूछा, क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है, हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है, बुलाखी ने कहा, तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। परंतु अब भी किंतु परंतु, गंगाराम झल्लाए, तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है, बुलाखी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, बुलाखी बोला। रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौटाऊंगा। ओ, तो ये बात है, गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो बुलाखी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान और पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीने उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखी को देकर कहा, बुलाखी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ, और हाँ, ध्यान रहे, घी जरूर लाना है, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाखी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और तीन काहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, ये देखकर बुलाखी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा, उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है, मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुलाखी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वो सब गंगाराम को बता दिया। बुलाखी के मुँह से ये सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, इतना अधीर मत हो, मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं, पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमाने से भाव में बुलाखी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वो भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजन उपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाखी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाखी से कहा, हाँ तो बुलाखी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यान पूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच ही
गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तान कर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी, बुलाखी बोला। अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। ये कहकर बुलाखी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाखी आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वो इस नगर की महारानी थी। उसका नाम किशोरी देवी है। जो पुरुष उसकी पालकी को कहरों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वो इस नगर का राजा चंद्रदत्त था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाखी जल्दी से बोला। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बुलाखी, इस नगर के राजा की तीन रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम किशोरी देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा चंद्रदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें रह रहकर सालता रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने तीन विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदत्त इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें ये भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नर्क में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी किशोरी देवी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी किशोरी देवी से ढा रखती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकटतः राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी किशोरी देवी के गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्हें ये भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में किशोरी देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां किशोरी देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गईं। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई भीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आहा सी भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा? सोमवती, मेरी मानो तो यही डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती हैं। वो कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर, मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया। यदि किसी तरह किशोरी नाम का ये कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा, तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया तब मझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित बह से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है।
मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे, मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका, राजपुरोहित जी घबराइए नहीं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं, धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना, आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 100,000 सोने की मोहरे लेकर वो उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी क्या बात है, आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज, राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा, बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए, हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने कहा, महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात ये सोचकर परेशान होता रहा हूँ कि इस बात को आपसे कहूँ या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें, राजा ने कहा। तो सुनिए महाराज, राजपुरोहित बोला, ये तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वो किस कारण से, राजा ने आशंकित स्वर में पूछा, क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी, राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा, आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, ये मेरी चिंता का विषय है। ओह, राजा ने ये बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंता आतुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हों और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे इसमें संदेह है, राजपुरोहित ने कहा। आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय ये है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें, वो राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया, वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वो भयभीत होकर रोने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी, लेकिन राजा कहां से आता, वो तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वो समझ गई कि किसी कारण से राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ अपने अबोध शिष्य की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वो अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 2 दिन लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची। प्रसव भार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में बने अपने आश्रम में देखकर
साधु की आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसने किशोरी से वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रो रोकर सारी बातें साधु को बता दी। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने किशोरी से कहा, बेटी अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से यहाँ रहकर अपनी संतान को जन्म दो, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्या अध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वो उन्हें यही उत्तर देता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे ये जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन है। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया, माँ मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है। बताया तो था बेटा, माँ ने प्यार से अपने आंचल से उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। ये झूठ है माँ, स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते, वो तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, किशोरी ने कहा। पहले तू भोजन कर ले, गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वो अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इसी प्रकार जब जब वो अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान भटा देती थी। किशोर विशाल जान ही नहीं पाया कि उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उसकी माता उससे अलग क्यों रहती है, आदि आदि। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने किशोरी और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी किशोरी मेरा अंतिम बुलावा आ पहुंचा है, मेरा जीवन चक्र पूरा हुआ। अपना शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हें दो वस्तुएं देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से दो चीजें निकाली। उनमें एक तो कपड़े से बनी एक थैली थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने वे दोनों चीजें किशोरी को सौंपते हुए कहा, बेटी किशोरी ये थैली कोई साधारण थैली नहीं है, ये मंत्र पूरित थैली है जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता ये है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता यह है कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे ये तीर अवश्य उसे भेद डालेगा, भले ही वो लक्ष्य कितना ही भारी विशाल और मजबूत क्यों न हो। वे दोनों चीजें किशोरी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से माँ बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे, उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शव दाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद माँ बेटे दोनों का मन वहां से उचट हो गया, अतः उन्होंने आश्रम को छोड़ा और नगर में रहने की इच्छा से वहां से चले आए। उन्होंने राजा चंद्रदत्त के इस नगर के ही समीप एक बस्ती में एक मकान खरीदा और उसी में रहने लगे। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, फिर आगे बोले, बुलाखी अब तू राजा चंद्रदत्त का हाल सुन कि इतने दिनों में उसका क्या हुआ। किशोरी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने उस पर ऐसी मोहिनी डाली कि वो बस उसी का होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वो जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी इच्छा का परिपालन करता था। राजा का ये हाल हो गया कि उसने दरबार जाना ही बंद कर दिया।
और राजकार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिन रात रानी ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता था। ये सब देख देख कर रानी सोमवती मन ही मन कुढ़ती रहती, क्योंकि राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया था। बुलाखी, कहावत है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी अंतरंग बातें उसे बता दी। राज्य का रक्षा मंत्री एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग मिला तो वो स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा के आप इस राज्य पर हमला करें, मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा कि वो सही मौके पर आपकी सेना के सामने हथियार डाल दे। इस तरह ये राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा, तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने चंद्रदत्त के रक्षा मंत्री का वो प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर जानकर चंद्रदत्त के राज पर हल्ला बोल दिया। राजा चंद्रदत्त उस समय रानी ज्ञानवती के रानीवास में थे जब एक घबराए हुए प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर ये सूचना दी। अन्नदाता गजब हो गया, पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक हमारे राज पर चढ़ाई कर दी है, नगर में अफरा तफरी फैल गई है, नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं, पूरे नगर में दहशत फैली हुई है। प्रहरी के मुंह से ये बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए भौंचक्का रह गया, लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा। उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जा डटा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गई, भयंकर मारकाट शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद युद्ध का दृश्य बदल गया। पूर्व योजना अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो, दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं, बेहतर यही है कि सेना को हथियार डालने के आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ, मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डालेगी, हम लोग देशभक्त हैं, शत्रु हमारी लाशों को लांग कर ही हमारे राज्य में दाखिल हो सकेगा, हमारे जीते जी तो ये कतई नामुमकिन है, सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ, देश की सारी सेना मेरे अधीन है, अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो, मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करता। रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति विवश हो गया, उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा चंद्ररथ ने जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब अपने सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने उसे तीन ओर से घेर लिया और वे उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उस समय जब शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा चंद्ररथ के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन हथियार उठाइए ना, आपने युद्ध करना क्यों बंद कर दिया। राजा हतप्रभ था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने हथियार क्यों डाल दिए। उसके मुंह से बोल न फूटा। युवक ने फिर से कहा, राजन शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुंचे हैं, जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर न दिया तो युवक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उसका धनुष छीन लिया। उसने पीठ पर लटके अपने थैले से एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने देखा कि युवक के छोड़े तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वो तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथ में आ गया। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देख शत्रु के सैनिक भी भौचक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक तीर के निशाने से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की, उसने प्रत्यंच खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु सैनिकों की ओर फेंका। इस बार उसका निशाना बने शत्रु के 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका
तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वो लौटकर पुनः युवक के हाथ में आ पहुंचा। ये दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और पीछे की ओर भाग लिए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अपने साथियों को रणभूमि में छोड़कर भागते देख शत्रु सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया और वो मैदान छोड़कर भाग निकले। राजा चंद्रदत्त, जो अभी तक विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, अब चैतन्य हुआ। उसने युवक से पूछा, युवक तुम कौन हो और ये करिश्मा तुमने कैसे कर दिखाया? राजा, ये सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। ये तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी, इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो ये तीर उस सेना के भी तमाम सैनिकों का वध कर डालता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा चंद्रदत्त उस युवक का बहुत आभारी था, अतः उसने कहा, युवक मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम सही समय पर न पहुँचते तो यकीनन शत्रु सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते, तब या तो मुझे मार दिया जाता अथवा शत्रु की जेल में डाल दिया गया होता। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ, कृपा कर मेरे साथ नगर चलो। युवक प्रसन्नता के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, बुलाखी क्या तुम समझ गए हो कि कौन था वो युवक? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था वो युवक? और वो तीर जिससे उसने इतनी विशाल संख्या में शत्रु मार डाले थे, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने से पहले विशाल को दिया था। बिल्कुल सही समझे, वो युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल ने कथाक्रम आगे बढ़ाया। बुलाखी, युवक के आभार से दबा राजा चंद्रदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया, फिर पूछा, युवक अब मुझे अपना नाम बताओ, ये भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो? राजन, युवक ने बताया, मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की एक बस्ती में ही रहता हूँ। मेरी माता का नाम किशोरी देवी है, पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी माता किशोरी देवी ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से किशोरी देवी का नाम सुनकर राजा चंद्रदत्त का कलेजा धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी का ध्यान हो आया। राजा अपने मन में सोचने लगा कि कहीं इस युवक की माता किशोरी देवी मेरी बड़ी रानी ही तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और ये युवक विशाल क्या मेरा पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। ऐसा विचार कर उसने विशाल से कहा, विशाल सचमुच तुम अपने माता पिता के होनहार सपूत हो, हम तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलकर हमें उन्हें तुम्हारे जैसा वीर युवक जनने पर बधाई दे सके। क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? क्यों नहीं महाराज, ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने स्वयं उसके घर पहुंचे, विशाल ने कहा। तब विशाल बड़े उत्साह के साथ राजा चंद्रदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जब विशाल की माता किशोरी देवी को देखा तो पहली ही नजर में उसे पहचान गया। हठात उसके मुंह से निकला, महारानी किशोरी देवी तुम? किशोरी देवी ने झुककर राजा के चरण छुए, बोली, हाँ महाराज आपने ठीक पहचाना है, मैं आपके चरणों की दासी वही किशोरी देवी हूँ, और ये युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी किशोरी देवी ने रोधे गले से बताया, ये अभागा ऐसा बेटा है जो अभी तक अपने पितृ सुख से वंचित रहा है। राजा ने तब बार बार अपने पिछले व्यवहार की रानी किशोरी देवी से क्षमा मांगी और कहा, महारानी अब तक जो हो चुका उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी किशोरी देवी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी विशाल बोल पड़ा, राजन इतना तो मैं जान चुका हूँ कि आप मेरे पिता हैं, किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था, मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर ही वापस जाएगी। कौन सी शर्त बेटा? आशंकित स्वर में राजा ने पूछा। आप स्वयं अपना कंधा लगाकर काहरों के साथ इसे पालकी में बिठा कर ले चलेंगे, तभी ये राजमहल जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा ने अपने पुत्र का ये आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो गया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी अब तो तू समझ ही गया होगा कि पालकी में बैठी वो प्रौढ़ स्त्री कौन थी
और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला वो राजपुरुष कौन था। हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, अतः मैं भी वापस जाने का विचार त्यागता हूँ। मैं अब आपके साथ आगे की यात्रा पर चलूंगा। ठीक है, अब तू भी सो जा, मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है, सुबह उठकर फिर यात्रा आरंभ करनी है, कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली, बुलाकी भी सोने का उपक्रम करने लगा। बेवफाई की सजा। अगले दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक और नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाकी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है, उसके निकट ही एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। ये देखकर बुलाकी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से निवेदन किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाकी राम, अब मैं तेरे सवाल का उत्तर देता हूँ, अतः तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है वीर सिंह। राजा वीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को ज्यादा प्यार करता था, किंतु उसे ये पता नहीं था कि ये रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। हे बुलाकी राम, एक बार राजा वीर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रमा रही थी। वो उस शेर के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु शेर ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा वीर सिंह को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में जा धसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और पीड़ा से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को यकीन हो गया कि शेर दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो विस्फारित नेत्रों से उस सुंदर स्त्री की तरफ देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो, दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूँ जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और ये जो शेर तुमने मार दिया है ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहाँ से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया, इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया, गंधर्व कन्या ने आगे कहा। राजन, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो व्यक्ति सदैव जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अदृश्य हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कोंद उठा। उसने सोचा कि क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिर स्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा।
और उसे वो फल देकर बोला, मेरी हृदयेश्वरी रानी चंचला, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। ठीक है स्वामी, रानी चंचला बोली, आप इसे यही रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका सेवन कर लूंगी। मुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं, फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। मुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वो फल खाने के स्थान पर उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है, न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं, जाने कब तक ये पाप में जीवन जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः उचित यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची और वो दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था, इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंच गया। उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहां से आया, तो वेश्या ने उसे बताया, राजन एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था, वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और यदा कदा मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वो सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने अक्सर रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के रानीवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था क्या तुमने उसे खा लिया। हाँ स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम, राजा क्रोध में भरकर बोला, सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया बल्कि अपने प्रेमी सन्यासी को दे दिया था जो अक्सर तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है, हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है, उसी वेश्या से हमें ये दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला जड़ित होकर रह गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से माफी मांगने लगी, लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए ये आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते मारे। सोहे बोला कि आज तू जिस दृश्य को देख कर आया है वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के लिए वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल चुप हो गए। इस बार उन्होंने बुलाखी से ये पूछने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी। कहानियां, ठग की शादी।
अगले दिन वे दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वो इस प्रकार था। बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर उन्हें रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वो युवती कुछ नर्म पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। ये दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पहले जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम ध्यान से सुन, इस नगर में रामू नाम का एक ठग रहता है। रामू के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वो स्वयं यही दो प्राणी हैं। रामू ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, रामू की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी रामू अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा रामू, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही बारे में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। माँ, रामू बोला, अब तू ये चिंता छोड़ दे, मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्दी ही मैं तेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। रामू की माँ ये सुनकर प्रसन्न हो गई। रामू भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वो एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, अतः सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने रामू से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो देखने में भी अच्छा हो। रामू ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूं। ये कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। रामू ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 5,000 रुपए। ठीक है, ये हार मेरा हुआ, जब तक मैं रुपए निकालूं आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया तभी योजना अनुसार रामू की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शो केसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले कि सर्राफ लौटता, रामू ने बड़ी फुर्ती के साथ वो हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वो हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वो हार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। रामू ने रसीद लेकर जेब में रख ली और 5,000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेस में लटके हुए जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। रामू ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। ये देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? रामू दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में झगड़ा होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और रामू कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी अब बताओ मामला क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली, फिर इसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और ये हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो ये कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका हूं।
सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने रामू से पूछा, अब आप बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये कतई झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। ये कहकर उसने वो हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए, अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना, ये दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने रामू की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। ये देखकर सर्राफा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर इसने वो हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब ये आदमी मुझ पर दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं शहर में परदेसी हूँ, यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न ही कोई जानने वाला है। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं ये बात जानता होता तो कभी इधर का रुख न करता। रामू ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। रामू के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने रामू को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लुटपिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर रामू ने हार भी अपनी माँ को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखिराम अगले दिन रामू फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से दो सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वो जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था और वो घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। रामू ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वो व्यक्ति समीप आया तो रामू ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ, देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। रामू ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने में झिझकने लगा तो रामू ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार है ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। रामू बोला, ये फल ही है, समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी ने तोड़ा है। यकीन न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वो बहुत स्वादिष्ट लगी। वो बोला, ये तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी पेड़ से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाता हूं, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। ये कहकर वो उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास रामू को पकड़ाई और ये कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं, बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, रामू उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और दो तीन हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी ये दृश्य देखकर बौखला उठा। वो तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। रामू शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटा पिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखे, रामू जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी मार्ग में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। ये देखकर रामू का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो अवश्य थक गई होंगी, आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। रामू ने कहा, नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है ना,
इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। रामू ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक नेक आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की सहायता करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जवाई राजा। ऐसा कहकर रामू ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। ये देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे जवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहे हैं। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जवाई ले जा रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। रामू ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल रामू उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो रामू ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वो भाग ना सके। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी ना, देख ये बहू लाया हूं तेरे लिए। ये सुनकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने लड़की की बलाएं ली और रामू से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिया है? अरे खोल दे इसके हाथ पांव, ये तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, अतः उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि अवसर मिलने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात रामू की मां ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाए। अगले दिन रामू की तथाकथित बहू ने रामू से कहा, एजे सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए, मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्के के दो तीन घूंट लिए और आगे बोले, बुलाकी स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। त्रिया चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। रामू उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यकीन हो गया कि अब रामू काफी दूर चला गया है, तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वो रामू की माँ के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांध कर उसे कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर रुपए पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और रामू के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वो घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। रामू की माँ उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। जल्दी उसे रामू दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पार्टों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? इस चक्की के पार्टों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने तीन चार हंटर रामू की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर रामू कहरा उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वो उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर रहम आ गया था, अतः उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाके आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वो यही नजारा था। पिटने वाला था रामू ठग और पीटने वाली थी वो युवती, जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया, अतः अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी गहरी नींद गहराने लगी है और फिर प्रातः आगे की यात्रा भी तो करनी है। ये कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा।
किस्सा दुष्ट मंत्री का। अगले दिन प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचकर बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा किस्सा उसने पटेल को बताया। पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये देखकर मैं उनके पास पहुंचा, तभी अचानक वो स्त्री गायब हो गई और मैं हैरान होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रखो, रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजन आदि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शोच निर्वृत के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निर्वृत हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में वीरमदेव नाम का एक राजा राज करता था। वीरमदेव आयु में पूर्ण रूप से युवा था, अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वो सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा वीरमदेव का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वो राजा के सामने तो बड़ी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वो वीरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वो उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लोभवश वो दुष्ट मंत्री राजा वीरमदेव के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा वीरमदेव के नगर वीरमगढ़ पर हमला कर दिया और इससे पहले कि राजा वीरमदेव की सेना सावधान होती, उस मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा वीरमदेव स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक ने उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए, नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बड़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है, ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक, राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे, महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूँ। वो गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूँ, आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वो सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त मार्ग के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वो अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वो लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का कब्जा हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा वीरमदेव लगातार आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था, अतः अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वो सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वो बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वो जल की तलाश में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वो एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया ये खूबसूरत मकान? कहीं ये मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वो मकान के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला।
उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वो मकान का द्वार खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वो उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थी। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वो बेहद थकान महसूस कर रहा था, अतः एक बार लेटा तो उठा नहीं, उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर सोता रहा। आंखें खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य ही कर रहा था कि तभी घुंघरों की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूप सी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा? ये तो कोई माया महल है और ये सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वो सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन आप कौन हैं और आपका ये माया महल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ, दानिशी नाम है मेरा। ये मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो राक्षस मेरे रूप का दीवाना है, वो हर हालत में मुझे पाना चाहता है। अतः उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। तब राजा ने अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वो सब उस दानव कन्या को बताया। सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक यहीं रहो, यहाँ आवश्यकता की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वो राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बागीचे, मनोरम फवारे, दास दासियां, सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वो मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्यार से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने जब राजा वीरमदेव को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि वो खुद राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वो तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखी राम की ओर उछाल दिया। बुलाखी, राजा वीरमदेव और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है, अतः मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधताएं चाहता है, एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा वीरमदेव के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वो उकताने लगा तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है, अतः जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव, मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बातें उन्हें सिखाएं।
कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम पर कोई संकट ना आ जाए। दानिशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरता पूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानिशी को राजी करके राजा वीरमदेव उसे इसी शहर में कुछ दिन घुमाने के लिए ले आया। दो दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ। हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और वो उस पर मोहित हो उठा। वो घोड़े से नीचे उतरा और दानिशी के निकट पहुंचकर उससे प्रणय निवेदन करने लगा। ये देखकर राजा वीरमदेव को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि ये स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई हक नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में विवाद होने लगा। राजा ने दानिशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति वीरमदेव ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब वीरमदेव ने दानिशी को अपनी ओर खींचा तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानिशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखी राम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानव कन्या दानिशी थी। और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो, अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। त्रिया चरित्र। यात्रा के दसवें पड़ाव में एक शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में नंगी तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वो जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे ये कहानी सुनाई। बुलाखीराम, गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वो घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रिया कर्म करवा कर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वो देर रात तक अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। ये स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असहाय हो गई। कहा तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि दो दो महीने के बाद जब लक्ष्मीकांत अपने घर लौटता तो मात्र कुछ दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मार कर सो जाती थी। बुलाखी, जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगे थी, कुछ अरमान थे। पति का सानिध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। अतः जब वो बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपनी काम वासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था, हट्टा कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर काली बास्केट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई।
मनिहारे का रूप पहले ही नजर में जया के मन में उतर गया। और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर ये पूछा, कैसे रंग की चूड़ियां पहनाऊं सेठानी, तो बरवस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हो। बुलाखे, उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, ये एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानपन बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सानिध्य को तरसती जया फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से ये चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मी दत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मी दत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वो जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वो दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेम में व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मी दत्त को उस पर संदेह हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी पर पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसे बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूँ भी तो क्या, विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो, जया ने भुकटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मी दत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, 1 हफ्ते बाद पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मी दत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वो शहर से बाहर न गया, सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मी दत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की के एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहार की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मी दत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, कि तुम्हें जानती हूँ वो 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। ये सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है, मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे, अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारे ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा, जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मी दत्त ज्यादा कुछ न सुन सका, उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज की रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी, इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें। मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा विचार कर वो पेड़ के रास्ते पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वो पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। ये देखकर वो घबरा गई। उसने सोचा कि यदि ये लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को लेकर गंगा में बहा आई।
लक्ष्मी दत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंदी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजना अनुसार लक्ष्मी दत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वो छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वो सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजन उपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मी दत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मी दत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। इस पर वो बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं उठती। ये सुनकर लक्ष्मी दत्त के मुख से निकल गया, ये बोरी मनिहारे की लाश से तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। ये सुनकर उसकी पत्नी सन्न सी रह गई। वो समझ गई कि उसका भाड़ा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेम अलाप अपनी आंखों से देख लिया है, अब ये अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि ये नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी, जिसमें वो तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मी दत्त ने पहनी थी। लक्ष्मी दत्त ने जब वस्तु स्थिति को समझा तो वो भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वो तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मी दत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रड चंडी बना देख लक्ष्मी दत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मी दत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो दृश्य उसी समय का था, अब बता तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं, सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे ये घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है, ये कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखी राम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। चरित्रहीन पत्नी। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। बुलाखी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था, उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ, फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाखी ये दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजन उपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था, उसकी इकलौती संतान है, उसका बेटा किशोर। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामणि के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामणि की शादी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया, किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन जब वो ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसे स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वो फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार वो बहुत सतर्क था, उसने चाबुक तैयार कर रखा था।
वो सोच रहा था कि इस बार वो बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वो बिल्ली दिखाई न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोर ने कहा, जा तो वहीं रहा हूँ, पर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा, रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रही। किशोर ने उसे बता दिया कि वो विवाह के 13 वर्ष बाद आज वो अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है। ये सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत, किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण मुझे सुझा सकती हो, किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली, हाँ यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, ये मत सोच रहा कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतो उत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो ये है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है, इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उससे पहले पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना, तदुपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा, मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वो युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी भलाई ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामणि के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों, कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामणि को खुश होना चाहिए, नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती हैं। हाँ सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नव युवतियाँ किया करती हैं जिन्हें अपने प्रीतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथ भ्रष्ट हो गई थी, उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वो अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ, बुलाखी ने पूछा। आगे ये हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय, तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है, तो फिर करो न उपाय, मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना,
तब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वो कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। सौदामिनी ने वो जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वो इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वो जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही, उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो सोच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वो सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका सोच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी, फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो सन्न सी रह गई, लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मर दिया। वो चीखने लगी, अरे लोगो, दौड़ो पकड़ो इस दुष्ट को, देखो इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है, इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वो लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने ये दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता, सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल केस में। अब किशोर को वो युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वो होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल से उसे आते रहे और वो तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखी एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैदखाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वो तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखे उस आदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वो युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखे कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ हाँ, ये बात तो जरूर बताइए पटेल जी, बुलाखे तत्परता से बोला। तो सुनो, पहला सबूत तो उस युवती ने ये उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच कराई। जांच से ये सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हत्या प्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से ये सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वो पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि ये वही जहर था जिसके कारण हत्य प्राणा को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो ये भी पता चला गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। ये भी पता चल गया कि वो जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया
और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वो उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वो अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वो युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वो उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धा पूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली, वो तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वो रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोर की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोर था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाखी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, ये तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे ये तो बताइए कि वो रहस्यमय महिला आखिर थी कौन, उसने किशोर की इस तरह मदद क्यों की, ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती, उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हर्ष हुआ, आदि आदि। सुन बुलाखी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं जो ये बता सकूं कि भविष्य में सौदामिनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वो तुझे बताता हूँ। बुलाखी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने ये लोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नवविवाहिता को लेवाने जा रहे होते हैं। बुलाखी, किशोर के साथ घटी ये घटना कोई नई नहीं है, इससे पूर्व भी वो अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना, यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस, अब और सवाल पूछने बंद कर दे, रात आधी से ज्यादा बीत गई है, सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। बुलाखी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही। अमानत में खयानत। प्रातः होने पर गंगाराम पटेल और बुलाखी उठे, शौच आदि से निपटे, सामान समेटा और घोड़े पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वो एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वो उसका रहस्य जानने के लिए बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निर्वृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे और तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजन आदि से फारिग हो चुके हैं, क्या अब मैं अपनी बात कह सकूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, जरूर कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान नहीं किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे, अतः अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। ये देख मैं भी ये जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं बाजरा क्या है, किस कारण ये भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा, उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके
पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थी, किंतु मुझे ये भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले मुझे कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए खामोशी रहा। अब आप मुझे ये रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले, यहां से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, मनकापुर। उस गांव में चंद्रभान नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता है। उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था सूरज। चंद्रभान नाम का वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो पुष्पा, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, अतः मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में ये गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई व्यापार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, चंद्रभान की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके चंद्रभान अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर चंद्रभान ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। चंद्रभान परिश्रमी आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। अतः चंद्रभान उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की खोज में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वो तो है सेठ जी, इसलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वो मेरे पास जमा करा दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन वापस ले लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर के सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर चंद्रभान ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वो रात चंद्रभान और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो चंद्रभान ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। पड़ोसी और राहगीर जमा हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए चंद्रभान से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर ये बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, चंद्रभान बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी ये बात मंजूर है?
बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने जब चंद्रभान से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर ये कसम खाने के लिए कहा था कि यदि उसकी शपथ झूठी हो तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए, बुलाखे, पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही चंद्रभान ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर ये शपथ ली के तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव छलक उठे। चंद्रभान और उसकी पत्नी सन रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने चंद्रभान को बहुत लानत मलानते दी, क्योंकि वो झूठा साबित हो गया था। पुष्पा की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और उनका भीड़ मजाक उड़ा रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी चंद्रभान के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली किस्सा क्या है तो मुझे सच्ची बात बताओ, क्या वास्तव में तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? चंद्रभान बोला, ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ये बेईमान कह रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर ये बात दोहरा कर कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है, मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा भी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है ये बात? बिल्कुल मंजूर है, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये आदमी झूठा है, इसका झूठ साबित हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक, वो व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर चंद्रभान ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया, चंद्रभान का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ ये देखकर हैरान रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार चंद्रभान को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखे, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति था कौन जिसने न सिर्फ चंद्रभान के बेटे सूरज को जीवित किया, अपितु जिसने सेठ से उसे 2 गुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वो व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। ये कलयुग है बुलाके, इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, अतः अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो जा। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली और निंद्रा रानी की गोद में समा गए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन जब वे दोनों काशी की यात्रा पर निकले तो शाम होने से पहले वे एक अन्य नगर में जा पहुंचे और वहीं रात गुजारने के लिए पड़ाव डाल दिया। अन्य दिनों की तरह पटेल ने कुछ रुपए बुलाखीराम को सौंपे और उसे अपने और घोड़े के लिए भोजन खरीद लाने को कहा। दिन अभी बाकी था, अतः बुलाखी नगर को देखने की इच्छा से कुछ दूर राज दरबार में चला गया। वहां उसने जो दृश्य देखा तो उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बुलाखीराम ने राज दरबार में देखा था कि वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाठ उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, किंतु वो ब्राह्मण बार बार इनकार में सिर हिलाकर राजा के आग्रह को अस्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर ही बुलाखी नाई के पेट में खलबली पैदा हुई थी और वो इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी जल्दी सामान खरीद कर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। ठिकाने पर पहुंचकर उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने जो दृश्य देखा है उसका रहस्य बता दो तो मान लो कि आप सचमुच में ही महाज्ञानी और दूरदर्शी हैं, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप तो सिर्फ तुक्केबाज हैं। ये कहकर उसने राजमहल के पास जो कुछ देखा था वो पटेल से कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, रात को सोते समय तेरी इस समस्या का समाधान करूंगा, थक कर आए हैं, पहले पेट पूजा तो कर लें, फिर तसल्ली से बात करेंगे। रात को भोजन करके जब वे दोनों बिस्तर पर लेटे तो पटेल बुलाखे राम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया।
उन्होंने बताया, बुलाखीराम, एक बार यहाँ के राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसे कौन कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे ये गद्दी मिली है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज भर में विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा, हे विद्वानों पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। क्या है आपकी समस्या? विद्वानों में से किसी ने पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपथ मिला। यदि तुम में से कोई इस बात को बतला सका तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, न बताने की स्थिति में उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि राजा को ये बात बताने से तो बेहतर यही है कि खामोशी रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहाँ से खिसक ले। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इस चिंता में घुलने लगे कि 6 महीने पश्चात वे राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। अतः वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्रित हुए और आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देख उसने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस तरह चिंता मत करो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन सा व्यक्ति? राजा ने आतुर स्वर में पूछा। यहां से 100 कोस उत्तर की दिशा में एक वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वह राख खाता है, राख के अलावा वो कुछ नहीं खाता और राख का ही मल त्याग करता है। वो महान दूरदृष्टा है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। बूढ़े ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर राजा ने अपना राजकार्य अपने मंत्रियों के सुपुर्द किया और उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वो उस वन में जा पहुंचा जहां वो महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटे के पश्चात महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया तो महात्मा ने कहा, राजा, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वो सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है, तो उसके पास चला जा, वो तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था। महात्मा की बात सुनकर वो कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते हुए उस साधु को खोज लिया। साधु समाधिस्थ था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े होकर राजा की तरफ देखा। उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अपनी समस्या उसे बता दी। सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं भी अभी असमर्थ हूँ। तेरी ये समस्या भी ऐसी ही है, मैं इसका रहस्य उद्घाटन करने में असमर्थ हूँ। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवान, मेरा यहाँ आना बेकार ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर यहाँ आया था कि आप मेरी समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। निराश मत हो राजा, उसे उदास देखकर साधु ने कहा, ये ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूँ जो तेरी इस समस्या का निराकरण करने में अवश्य ही समर्थ है। तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए भगवान, मैं उससे भी मिल लूंगा, राजा ने कहा। तो सुन, साधु ने कहा,
यहाँ से 50 मील दूर रामनगर नाम का एक शहर है। वहाँ रामप्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा। जब वैश्य उस मृत बालक को शमशान में ले जाकर भूमि में दबाए तो बाद में तू जाकर उस शव को निकाल लेना और उसी से अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा रामनगर के लिए चल पड़ा। निश्चित समय से पूर्व ही वो रामनगर में पहुंच गया और वैश्य का घर खोजकर उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र कौन हो तुम और यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले उस नन्हे से बच्चे की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। राजा ने बताया। आश्चर्य है, वैश्य उसके बात सुनकर बोला, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? सेठ, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, राजा ने कहा। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो लड़का होगा। लेकिन क्या भाई, वैश्य बोला, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ पैदा होगा ना? हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वो जीवित रह पाएगा, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई शुभ शुभ बोल, वैश्य भयभीत स्वर में बोला, इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा और अगर पैदा होने के बाद मर गया तो वो मेरे लिए बहुत दुखद बात होगी। राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनन फानन में कई वैद्यों, हकीमों और दाइयों का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही वो जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां बज रही थी, वहां एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढापा और उसे शमशान में दफन कराया। योजना अनुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने उस बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य, बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चिर निंद्रा में विघ्न पैदा किया है? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजा, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे ये राजपद मिला है वो एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तू पूर्व जन्म में मेरा भाई था। तुम्हारा भाई? सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गई। हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा में हमें प्राप्त होता था हम मिलजुल कर उसे बांट कर खा लिया करते थे। ये नियम काफी समय तक नियमित रूप से चलता रहा, किंतु एक दिन हम लोगों से एक भारी भूल हो गई। कैसी भूल? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बोल मत राजा, बालक ने कहा, बस तू मेरी बात सुनता जा, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है। राजा खामोश हो गया। बालक ने फिर कहना शुरू किया, राजा एक दिन हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हमें लोगों को भिक्षा नहीं मिली। परिणाम ये निकला कि उस दिन हमें रात को भूखे ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही बिताया। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टे हमें ये कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाकर कहीं मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। शर्म के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने गए ही नहीं। लेकिन मुझे ये स्वीकार न था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सकें। उनके लिए सब मानव एक जैसे बने, न कोई छोटा हो न बड़ा, मानव मानव एक समान की भावना उनके अंदर पैदा हो जाए। बहरहाल उस दिन तू अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया जैसे 4 रोटियां तैयार हो गई। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज 1 रोटी खाने को मिली है, उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? इतना कहकर उसने वो रोटी खा ली।
अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने ये कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग। फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टकासा जवाब दे दिया कि यदि रोटी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा या जीऊंगा। ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा, तूने बिना किसी हिचकिचाहट से अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूँ, आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पधारिए, तब मैं आपका भली भांति अतिथेय सत्कार करूंगा। सो हे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म में हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण एवं वस्तु कहकर वहां से चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक कुछ क्षण के लिए रुका, फिर आगे बोला, राजा जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वो वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था, और वो पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख ही मल त्यागता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख। अतः ब्राह्मण के शाप से तब से वही राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का सुझाव दिया, वो दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग। सो अब ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे बारे में भी सुन ले, मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर ये कहा था कि यदि मैं तुझे ये रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूँ, और तब से ये घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। तूने अपने अतिथि धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला है। अतएव तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर सहायता कर, परोपकारी कार्य कर, ताकि तेरा आगामी जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया, उसकी आंख बंद हो गई, वाणी मूक हो गई और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही ये जीवित हुआ था, अतः उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, सो हे बुलाखी राम, आज तुम राज दरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वो इसी कथा से संबंध रखता है था। वो वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दी थी और फिर किसी और अवसर आने के लिए कहा था ताकि वो उसका समुचित अतिथि सत्कार कर सके। राजा उससे अपना राजपाट देने का निवेदन कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण बार बार राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी, अतः अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह फिर से सफर पर निकलना है। दो घंटे का राजा। दूसरे दिन प्रातः होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्य कर्म के पश्चात बुलाखी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया, गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पीकर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक अन्य बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाखी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़े के लिए चारा और रातिब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाखी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद ली, लेकिन जब वो लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर खड़ा रह गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। ये दृश्य देखकर बुलाखी का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल।
जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वो इसका जवाब न दे पाए, तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वो शीघ्रता से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा किस्सा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे इन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर चल दूंगा। बुलाखी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाखी राम, बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे, हारे थके आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए लेता हूँ। रात को जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो बुलाखी ने पटेल का हुक्का भर दिया। गंगाराम पटेल ने हुक्के की नली मुंह से लगा ली, एक दो कश लगाए और बुलाखी से बोला, हाँ तो बुलाखी, अब मैं तेरी शंका का समाधान करता हूँ, ध्यान से सुना। जहाँ हम ठहरे हुए इस नगर के राजा का नाम था श्रीदेव। राजा श्रीदेव घोड़ों का बहुत शौकीन था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उस व्यापारी का नाम था गुलाम हुसैन। उसके साथ उसकी एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 18 वर्ष के करीब थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम था साहिरा। साहिरा की माँ का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जिस भी जगह पर अपने व्यापार के सिलसिले में जाता, साहिरा भी उसके साथ जाती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जब राजा श्रीदेव के दरबार में घोड़ा खरीदने के विषय में सूचना देने गया तो उस समय उसकी बेटी साहिरा भी उसके साथ थी। साहिरा का रूप लावण्य देखकर राजा श्रीदेव उस पर मुग्ध हो गया। उसने व्यापारी से साहिरा का विवाह उसके साथ करने के लिए आग्रह किया। राजा श्रीदेव यद्यपि पहले से ही विवाहित था, उसकी दो रानियां थी, लेकिन उन दोनों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दोनों के ही गर्भ से लड़कियां पैदा हुई थी। राजा श्रीदेव ने व्यापारी गुलाम हुसैन को किसी प्रकार अपने अनुकूल करके साहिरा के साथ विवाह कर लिया। साहिरा को रहने के लिए उसका अलग महल बनवा दिया। भगवान की कृपा से साहिरा गर्भवती हो गई। ये देखकर राजा श्रीदेव की पहली दो रानियां सोचने लगी कि यदि साहिरा के गर्भ से पुत्र पैदा हो गया तो राजा हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा, हर मामले में साहिरा की ही बात मानी जाती रहेगी। ऐसा सोचकर उन दोनों ने एक दिन अपने एक विश्वस्त ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका राजा पर बहुत प्रभाव है। राजा आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों पर बहुत यकीन करता है। यदि आप राजा को अपने विश्वास में लेकर हमारा एक काम कर दें तो हम आपको मालामाल कर देंगे। धन मिलने की बात सुनकर ज्योतिषी की आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। ज्योतिषी ने पूछा, हे देवियों, काम क्या है जिसके बदले में आप मुझे मालामाल करने का वचन दे रही हैं? काम यह है कि आप किसी तरह राजा को बहकाकर हमारी सौतन साहिरा को महल से बाहर निकलवा दें, अथवा यदि उसकी कोख से कोई पुत्र पैदा हो तो उसे मरवाने की युक्ति करें। काम मुश्किल था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। अतः उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वे उनका ये काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को ये वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का चक्र घूमता रहा। उचित समय पर साहिरा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ये देखकर प्रसन्न हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ पांव माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका ये पुत्र वर्णशंकर है, अतः मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार आगे चलकर आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो ये आपको राजगद्दी से उतार स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डाल देगा। राजा श्रीदेव जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हो रहा था, ज्योतिषी की ये बात सुनकर चकित रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब से कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत बात नहीं कहता राजन, ज्योतिषी बोला। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है, आगे जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। पूरी बात राजा श्रीदेव इसी चिंता में डूबा रहा कि वो इस बालक का क्या करे, इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वो इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेयस्कर है। अतः अगले दिन उसने अपने दो जल्लाद बुलवाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक को मार दो।
पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों के सिर कटवा दिए जाएंगे। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुट हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, दोस्त, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूँ। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर देख रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि अभी इसे उठाकर अपने सीने से लगा लूं। कैसा पत्थर दिल पिता है हमारा राजा, अपने पुत्र के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में जरा भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर, भाई मैं तो इसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला। लेकिन राजा की आज्ञा, उस पर तो अमल करना है, दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की। उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं। राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, और यदि राजा ने कोई सबूत मांगा तो हम उसे खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि ये है हमारी बात का सबूत। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया, जंगल में एक खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख ली। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहां वो जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। इसके पश्चात वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। सबूत के तौर पर उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा सबूत देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ पल के लिए विराम लिया। फिर वो आगे बोले, बुलाखी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वो कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और सब पशुओं के बीच भी वो सुरक्षित रहा। वो कैसे, बुलाखी राय ने पूछा। कैसे क्या, बस प्रभु की उस पर कृपा हो गई। जब वो बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में से किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वो चौंक गया। वो बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वो बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष गुजर गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। ये कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाखी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी। गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे हुआ ये कि बड़े होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वो अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर, तब वो राजा की भांति उनका फैसला किया करता था। बुलाखी, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वो दरअसल राजा का वही लड़का था। और वो आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था, वो कौन था? उसके निकट खड़ी वो स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी, पूछा बुलाखी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन, गंगाराम पटेल बोले। वो आदमी एक बंजारा था और वो स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम, क्या है ना यही बात? हाँ सो तो है पटेल जी, तो इस बारे में भी सुन, गंगाराम बोले। एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उनके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में ये विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए महाजन के पास गिरवी रख दूं, तो मेरे धन की ये जरूरत पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में हो जाएगा तो अपनी पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे ये भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी।
उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है, क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूँ। शायद ये किसी महाजन के यहाँ मेरी पत्नी को गिरवी रखवा कर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुँचा और बड़े विनित स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया गई। उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ रख लिया और बंजारे को उसकी वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वो सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस प्रकार उसने बहुत धन कमाया। एक वर्ष पश्चात बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। ये सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं? अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग सितार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वो बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं? ये सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर वो महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होने को कौन टाल सकता है भला? फिर भी आप अपना रुपया ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे नहीं ले सकता। लूं भी कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उसे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। ये सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर पर ही कहीं छुपा रखा है, या फिर उसने उसे अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना करके वो उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिलवा दे। राजा श्रीदेव एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो निश्चय ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। पृथ्वी सिंह की बात सुनकर बंजारे ने राजा श्रीदेव के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखकर गया था? हाँ राजन, बंजारे की ये बात बिल्कुल ठीक है, महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? लौटाऊं कहां से महाराज? महाजन बोला, मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 माह पूर्व इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हाँ अन्नदाता, मेरी बात की पुष्टि वो वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा श्रीदेव को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वो सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा श्रीदेव को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं उसे बताऊं कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार फिर राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा श्रीदेव ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राजदरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लेवा लाया
और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महापूर मर गई, आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं, मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से जिसने बंजारे की पत्नी का उपचार करने के विषय में कहा था पूछा, वैद्य जी आपने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था? जी हाँ श्रीमन, उपचार आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि दवा सेठ जी इनकी पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हाँ श्रीमद, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, बहरहाल सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाते रहे हैं। वैद्य ने कहा, और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे, ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे, हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। ये सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगवाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? ये सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो पृथ्वी सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ को बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही है। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कौड़े लगाने का आदेश देता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहारियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कौड़े लगाए गए। पहला कौड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मैं मर जाऊंगा। वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखों से सारा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख कर महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूकने की बात कही थी। अब बारी आई तो उन चारों गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे शमशान में फूकने के लिए ले गए थे। मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतक के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई थी तब हम उसे शमशान ले जाने को कहा गया था, उन चारों में से एक ने कहा। और तुमने ये जाने बिना कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही शमशान में ले जाकर जलाए? ये तो बेहद गंभीर अपराध है, इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वे चारों पहले से ही थे, मृत्यु दंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा, उसका चेहरा भय से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ तुम्हारे 5 गवाह की तो हवा निकल गई, अब बताओ इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया, उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ इससे पूर्व के मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को शमशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। ये सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी।
इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है वो यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वो बंजारा था। समीप खड़े कृतज्ञता पूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वो स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, बुलाखी बोला, शंका तो नहीं रही लेकिन एक उत्सुकता बाकी है। कौन सी उत्सुकता? मेरी उत्सुकता यह है कि क्या राजा श्रीदेव को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह वास्तव में उसी का पुत्र है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है। शायद ऐसा ही है बुलाखी, क्योंकि अगर राजा श्रीदेव को ये बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर दे, क्योंकि रात बहुत हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए कूच भी करना है। ये कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का प्रयास करने लगे। बुलाखी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लेट गया। झूठी मोहब्बत। अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखी रामदाई एक ऐसे नगर में पहुंचे जो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। यहां पहुंचकर दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह गंगाराम ने उसे भोजन और घोड़ों के लिए दाना आदि लाने के लिए भेजा तो रास्ते में बुलाखी नाई एक और दृश्य देख आया। रात को भोजन आदि से निर्वित होकर जब दोनों बिस्तरों पर लेटे तो गंगाराम ने उससे पूछा, बुलाखी क्या बात है, क्या आज तूने यहाँ के बाजार में कोई नया दृश्य नहीं देखा है? देखा है पटेल जी, देखा है, बुलाखी बोला। मैं अभी आपसे उसके बारे में पूछने की सोच ही रहा था कि आपने पहले ही टोक दिया। आज तूने क्या अजीब बात देखी? पटेल ने पूछा। पटेल जी आज मैंने बाजार में लगभग 30 वर्ष का ऐसा नौजवान देखा जो बेहद गमगीन भाव से एक चबूतरे पर बैठा था। उसके मुंह से बार बार ये शब्द निकल रहे थे कि हाय रे अभागे, ये तूने क्या किया। और हाँ पटेल जी, उसकी हालत सचमुच दीवानों जैसी हो रही थी। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए। बुलाखी की बात सुनकर पटेल मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा, बुलाखी इस नगर से बहुत दूर एक गांव में पूरन नाम का एक आदमी रहता था। वो भोजन बनाने में बहुत प्रवीण था। जो कोई भी एक बार उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चख लेता था वो उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं उगता था। दूर दूर से लोग शादी विवाह के अवसर पर उसे बुलाने के लिए उसके पास आते रहते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी अपने मित्र के यहाँ शादी के अवसर पर बीजापुर के एक अमीर अयूब खान ने उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखा। उसे सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने अपने मित्र से कारीगर का नाम पूछा जिसने ये व्यंजन तैयार किए थे, तो उसके मित्र ने उसे पूरन से मिलवा दिया। अयूब खां तब उसे अपने साथ ही ले आया और अच्छे वेतन पर उसे अपना रसोईया नियुक्त कर लिया। बुलाखी उस अमीर की 3 बीवियां थी। बड़ी बीवी की उम्र 60 वर्ष, उससे छोटी बीवी की उम्र 40 वर्ष तथा जो सबसे छोटी बीवी थी उसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जबकि स्वयं उस अमीर की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। अमीर एक अयाश मिजाज आदमी था, इसलिए नई नई बीवियां रखने का उसको शौक था। पूरन ने वहां पहुंचकर रसोई घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। अब वो नित्य नए नए व्यंजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगा। अयूब खां की सबसे छोटी बीवी का नाम था जुबेदा। अयूब ने उसके पिता को बहुत सारा धन देकर शादी की थी, इसलिए वो अपने से घृणा करती थी। जाहिर तौर पर तो ये जताती रहती थी कि उसे अपने पति से बहुत प्यार है, किंतु मन ही मन उसे कोसती रहती थी कि कब बूढ़ा मरे और मेरा इससे पिंड छूटे। बुलाखी जब जुबेदा ने पूरन जैसे गबरू जवान को देखा तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो जब भी मौका मिलता रसोई घर में चली जाती और पूरन से बातें करते हुए उसे चाहत भरी नजरों से देखा करती थी। पूरन ने पहले तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, किंतु जब वो भी दिल के हाथों मजबूर हो गया तो एक दिन दोनों के दिल आपस में मिल गए। एक दिन जुबेदा ने उससे कहा, पूरन मैं अपने बूढ़े खाविंद से तंग आ चुकी हूँ, तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से किसी और राज्य में भाग चलें। पूरन ने कहा, जुबेदा मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, किंतु मुझे डर है कि यदि तुम मेरे साथ भाग गई तो ये बूढ़ा अमीर हमें पाताल से भी ढूंढकर मंगवा लेगा।
फिर ये हमारी बहुत बुरी हालत बना देगा। कैसे बुजदिल की बातें कर रहे हो पूरन, मैं जानती हूँ ये बूढ़ा ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कुछ दिन हमारी तलाश कराएगा और फिर शांत होकर बैठ जाएगा, जुबेदा ने कहा। बुलाके कुछ तो चाहत का असर और कुछ जवानी का तकाजा। पूरन उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर एक दिन जुबेदा ने अपने शौहर की तिजोरी साफ कर डाली और बहुत सा धन और जेवरात लेकर पूरन के साथ भाग गई। दोनों एक शहर में पहुंचे और एक किराए का मकान लेकर आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर अयूब खान ने कुछ दिन तक तो उन्हें खोजने का प्रयास किया, किंतु फिर अपने दुर्भाग्य पर संतोष कर लिया। दरअसल उसे जुबेदा के भाग जाने का इतना गम नहीं था जितना अपने धन और जेवरों के चले जाने का था। पूरन और जुबेदा कुछ दिन तो जुबेदा के द्वारा लाए धन के बल पर ऐश करते रहे, किंतु जब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो दोनों चिंतित होने लगे। जुबेदा पूरन को फिर से अपना काम करने को कहने लगे, लेकिन क्योंकि अब पूरन को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी, अतः वो टाल मटोल करने लगा। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मन मारकर पूरन ने फिर से एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली। उस नौकरी से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आराम से एक गृहस्थी का गुजारा हो जाता। पैसे की तंगी होने लगी तो पूरन और जुबेदा में नित्य ही किसी न किसी बात पर तकरार होने लगी। घर का वातावरण विषाक्त हो गया। एक दिन जुबेदा बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रईस जादे से हुई जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की आंखें चार हुई तो उनके मिलने का सिलसिला चल पड़ा। नतीजा ये निकला कि एक दिन जुबेदा उसके साथ भाग गई। दिन भर नौकरी करने के पश्चात शाम को जब पूरन अपने घर पहुंचा तो घर खाली था। पूरन समझ गया कि जिस तरह मुझ पर आसक्त होकर जुबेदा मेरे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसकी निगाहें किसी और नौजवान के साथ मिल गई और वो उसे छोड़कर चली गई। बस तभी से वो बेहद उदास रहने लगा। बुलाखी, गंगाराम ने आगे उसे बताया, बेचारे पूरन की बदनामी का दौर यही खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा अयूब किसी काम से इस नगर में आया। वो एक हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचा तो पूरन पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़वा दिया। अयूब ने उस पर अपनी बीवी को भगाने और अपने धन को चुरा लाने का इल्जाम लगाया। नतीजे के तौर पर पूरन को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सजा काटकर जब वो अपने घर लौटा तो अपने मकान पर किसी और व्यक्ति का कब्जा पाया। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण अपना मकान किसी और को दे दिया था। इतना ही नहीं, जब पूरन अपने पुराने काम को करने के लिए अपने मालिक उस हलवाई के पास पहुंचा तो उसने भी उसे नौकर रखने से साफ इनकार कर दिया। बस तभी से उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वो प्राय चौराहों पर बैठा रहता है और मुंह से ठंडी आहें निकालता हुआ ये कहता है, हाय रे अभागे, ये तूने क्या किया। कहानी को विराम देकर पटेल ने कहा, बुलाखे, अब तो तू समझ ही गया होगा कि वो व्यक्ति कौन था। हाँ पटेल जी, सब समझ गया, बुलाखे बोला। वो वही अभागा पूरन था। बेचारा पूरन, उसके साथ तो बहुत बुरी भी थी। जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है, फिर ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति। पटेल बोले, अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है, अतः चादर ओढ़ और सो जा, मुझे जोरों की नींद आ रही है, कहकर पटेल ने अपने पांव फैला दिए और लंबी तान कर सो गए।